आई एम दीपक माथुर। आज हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो कि इलेक्ट्रिकल 201 कोड का एक हमारे टॉपिक है उसको हम स्टडी करेंगे। FET इट इज ए 3-टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस यूज्ड इन एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग एप्लीकेशन। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कंट्रोल्स करंट बाय वोल्टेज अप्लाइड टू द गेट। द FET's मेजर एडवांटेज ओवर द BJT इज हाई इनपुट इम्पिडेंस। इसका जो इम्पिडेंस है वो हाई होता है, यही इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर द BJT। बेसिक टाइप ऑफ FET इज इक्वल टू JFET एंड MOSFET। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET क्या है? द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लाइक ए BJT कंट्रोल्स करंट फ्लो। द डिफरेंस इज द वे दैट इज अकम्प्लिश्ड। द JFET यूजेस वोल्टेज टू कंट्रोल द करंट फ्लो। एज वी विल रिकॉल द ट्रांजिस्टर यूजेस करंट फ्लो थ्रू द बेस एमिटर जंक्शन टू कंट्रोल करंट। JFET कैन यूज्ड एज एन एम्पलीफायर जस्ट लाइक द BJT। ये एक सर्किट डायग्राम इसका JFET का यहाँ पे दिखाया गया, जिसमें हमने देखा कि जो ड्रेन सप्लाई है वो नेगेटिव है और गेट पे जो है वो पॉजिटिव सप्लाई दिखाया गया। द टर्मिनल्स ऑफ JFET आर सोर्स, गेट एंड ड्रेन। 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स, जो कि दिखाया गया। ड्रेन सबसे ऊपर है, गेट साइड में है, सोर्स सबसे नीचे है। पी के लिए पी टाइप का सबस्ट्रेट ले लिया। दूसरा जो बी हमारा जो फिगर है उसमें हमने एन टाइप का सबस्ट्रेट लिया, तो वो एन चैनल का FET बन गया। VDD प्रोवाइड ए ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। VGG सेट्स द रिवर्स बायस वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। JFET इज ऑलवेज ऑपरेटेड विद गेट सोर्स PN जंक्शन रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायसिंग ऑफ गेट सोर्स जंक्शन विद ए नेगेटिव गेट वोल्टेज प्रोड्यूसेस डिप्लेशन रीजन अलोंग द PN जंक्शन। ये एक डिप्लेशन रीजन बनाता है अलोंग द PN जंक्शन, जब हम गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं और ड्रेन पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं। इसकी बायसिंग जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा कि किस तरह से हम पोलैरिटीज को यहाँ पे सेट करते हैं। द फैक्ट गेट इज ऑलवेज रिवर्स बायस लीड टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स। JFET हैज हाई गेट इनपुट इम्पिडेंस, टिपिकली हाई मेगा ओम रेंज। द FET इज ऑलवेज ऑपरेटेड विद द गेट सोर्स PN जंक्शन रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग ऑफ गेट सोर्स जंक्शन विद ए नेगेटिव गेट वोल्टेज प्रोड्यूसेस ए डिप्लेशन रीजन अलोंग द PN जंक्शन विच एक्सटेंड इनटू द N चैनल। दस इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस बाय रेस्ट्रिक्टिंग द चैनल विड्थ। यानी डिप्लेशन रीजन के चेंज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है। द चैनल विड्थ एंड द चैनल रेजिस्टेंस कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग द गेट वोल्टेज। इस तरह से हम गेट वोल्टेज को वेरी करके और हम चैनल की विड्थ और चैनल का रेजिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हैं। ये इसका स्कैमेटिक डायग्राम किस तरह से लेबोरेटरी में इसको हम जोड़ा जाता है, वो JFET की बायस्ड फॉर कंडीशन और इसकी जो VD पे किस तरह से पॉजिटिव वोल्टेज और गेट पे किस तरह से नेगेटिव वोल्टेज देके उसकी रीडिंग को मेजर करेंगे उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स। लेट्स फर्स्ट लुक द इफेक्ट ऑफ VGS ऑफ 0 वोल्ट। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय शॉर्टिंग द गेट टू सोर्स जंक्शन। 0 वोल्ट क्या होगा, यानी शॉर्ट कर दें गेट और सोर्स वोल्टेज को, उसका इफेक्ट हमें देखना। इस तरह का ये JFET का ड्रेन कर्व आएगा, जिसमें हमने देखा कि ID और VDS के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो VP जो है वो पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएंगे, जहाँ पर की जो ID की वैल्यू होगी वो IDSS होगी, जहाँ पर की VGS की वैल्यू 0 होगी, और C पॉइंट के आगे वाला जो एरिया है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा, जबकि B और C के बीच वाला जो एरिया है वो कांस्टेंट करंट एरिया कहलाएगा, और B और A के बीच वाला एरिया जो है वो ओमिक एरिया कहलाएगा। इस तरह से मैंने ये देखा कि द पॉइंट व्हेन ID सीजेस टू इंक्रीज रिगार्डलेस ऑफ VDD इंक्रीजेस इज कॉल्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज VP। दिस इज द पॉइंट P। बी पे जो ये वोल्टेज वो कहलाएंगे वो पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर हमने देखा कि अगर ड्रेन पे पॉजिटिव सप्लाई और गेट पर नेगेटिव सप्लाई लगा के और गेट की वैल्यू को अगर वेरी करें, ID इज द ड्रेन रेजिस्टेंस, तो जो करेक्टरिस्टिक्स कर्व है ID और VDS में वो इस तरह से शो होगा, जहां पर जैसे जैसे VGS की वैल्यू नेगेटिव की साइड में हम कम करेंगे वैसे वैसे IDS की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी VGS की वैल्यू, या हम यूं कह सकते हैं कि VGS की वैल्यू जिस तरह से कम होगी वैसे वैसे IDS की वैल्यू भी कम होगी। यहाँ पे आप फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि VDS और ID में हमने ये करेक्टरिस्टिक्स कर्व यहाँ पे प्लॉट किया है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे VGS की वैल्यू यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ाएंगे नेगेटिव में, रिवर्स बायस में, पहले मैंने आपको बताया था, वो आप वापस करेक्ट कर लें, कि जैसे जैसे VGS की वैल्यू जो है हम बढ़ाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन रिवर्स बायस में, तो करंट की वैल्यू है उसी डायरेक्शन में कम होती जाएगी।
So this is all about your characteristics parameter. Transfer characteristics, वो का वो जैसा कि मैंने आपको बताया, when ID is equal to 0, VGS is equal to VGS off, when ID is equal to IDSS, and VGS is equal to 0. So this is the characteristics curve. Thank you.